मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता यादव एंड योर बायोलॉजी टीचर, एंड वी वर डिस्कसिंग वन सैम्पल पेपर ऑफ बोर्ड, प्री बोर्ड्स एंड द बोर्ड्स. द बोर्ड्स आर सून अप्रोचिंग, सो वी आर डिस्कसिंग फ्यू सैम्पल पेपर्स डेली. टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अनदर नेक्स्ट बायोलॉजी पेपर. तो हम सैम्पल पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पेपर्स का पैटर्न भी पता चल जाए और किस तरह से हमें आंसर्स सॉल्व करने हैं, किस तरह से हमें आंसर्स फ्रेमिंग करनी है, वो भी हमें पता चल जाए. इन वीडियोस को आप देख सकते हैं जिससे आपको पूरा पैटर्न, बोर्ड पैटर्न और उनके अंदर क्वेश्चंस के टाइप्स और आपको वे ऑफ आंसरिंग सभी क्लियर होगी. इवन हम बीच में कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे जो कॉन्सेप्ट्स उन क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे. तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिससे हम आज का जो हमें सैम्पल पेपर करना है बायो का, 044 इज द बायोलॉजी सब्जेक्ट कोड, वो हम करेंगे सॉल्व. सैम्पल पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आई होप यू आर एबल टू सी. So, all the questions are there. The question paper consists of the five sections. 33 questions are here, and the questions are compulsory. And section A has 16 questions of 1 marks. You can see section B has 5 questions of 2 marks, and section C has 7 questions of 3 marks. Section D has 2 case-based study questions of 4 marks. Section E has 3 questions of 5 marks. There is no overall choice. However, internal choices have been given in some of the questions. So, first question आपका है, the structure in the chromatin seen as bead on string when viewed under electron microscope are called nucleotides, nucleosides, histone, octamers or nucleosome. जो structure chromatin में होता है bead on string model में, तो उसको जब हम microscope में देखते हैं तो वो हमें क्या क्या structure होता है वो beads वाला, तो न्यूक्लियोसोम उन्हें कहते हैं. एक और क्वेश्चन आपको उसके साइड में दिख रहा है, आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द फॉलोइंग. कौन सा सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है. 4 सीक्वेंस आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, GGATCC. बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि ऊपर वाले स्ट्रैंड में भी उसको जब हम रीड कर रहे हैं तो सेम सीक्वेंस आ रहा है, GGATCC, और नीचे भी अगर हम उसे रीड कर रहे हैं बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, GGATCC. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए में बेस पेयर के सीक्वेंस हैं जो कि सेम होते हैं जब उन्हें फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाए या बैकवर्ड राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाए फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस. तो इस तरह से ये हमारा इसीलिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, द फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय नॉट यूटिलाइजिंग द बायोलॉजिकल एंटिटी डायरेक्टली. इनमें से किसमें हम डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को ना गिनकर भी उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं. सो टाइगर, टाइगर को तो हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे, बट हम उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी उसके फीकल पैलेट से, उसके पग मार्क्स से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड एनिमल फुटप्रिंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग विद द रिस्पेक्ट टू द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के बारे में इनमें से क्या चीज इनकरेक्ट दी हुई है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज 3N, उनके प्लॉइडी दी हुई है, इसमें कितने क्रोमोजोम, 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं. एंटीपोडल्स 2N एंड सेल्स ऑफ द न्यू सेल एस ओव्यूल 2N, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ मेल गेमेटोफाइट N. तो इसमें गलत क्या है, इसमें एंटीपोडल्स का जो प्लॉइडी दिया हुआ है 2N, 2N नहीं होता, N होता है, बिकॉज एंटीपोडल्स आर मेड फ्रॉम द हैप्लॉइड. जब एम्ब्रियो सैक बनता है 7 सेल 8 न्यूक्लियाई का, तो एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लोइड माइटोटिक डिवीजन से ही होते हैं. तो सारे सेल एम्ब्रियो सैक के हैप्लोइड ही होते हैं, वही रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में. फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसी रिवर वाटर की
उसका क्या ऑप्शन सही होगा? हैज नो रिलेशनशिप विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वॉटर, गिव अ मेजर ऑफ सैल्मोनिला इन द वॉटर, इंक्रीज व्हेन एडेड सीवेज इज एडेड टू द वॉटर, या रिमेन अनचेंज व्हेन एल्गल ब्लूम्स आर देयर। तो इसमें से क्या करेक्ट होगा? सो यू शुड नो दैट व्हेन द सीवेज इज एडेड टू द वॉटर इट इज इंक्रीजेस, तो ये होना चाहिए। तो वी विल सी द आंसर, इंक्रीजेस व्हेन द सीवेज इज एडेड टू द रिवर वॉटर। डिस्चार्ज ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज इन टू द रिवर रिजल्ट इन द राइज इन द बीओडी बिकॉज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही हम गंदा पानी रिवर में डाल देते हैं तो उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है डिकम्पोजिशन करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, ऑक्सीजन ज्यादा यूज करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन अ गिवन पॉपुलेशन 2000 इंडिविजुअल हैं जिसमें 80 बर्थ्स हुई हैं, 125 डेथ हुई हैं, और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो इनमें से कौन सा ग्राफ उनको रिप्रेजेंट करेगा? तो टाइम के साथ पॉपुलेशन का ग्राफ दिखा रखा है, सो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और सामने नाइन्थ क्वेश्चन भी दे रखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइटर कलर्ड वेराइटी ऑफ पेपर्ड मॉथ बिस्टन बेटेवलेरिया टू इट्स डार्कर वेराइटी बिस्टन कार्बोनेरिया इन इंग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो पहले हल्के कलर वाले जो पतंगे थे, कीट पतंगे जो कि रात के वक्त रोशनी की लैम्प्स की तरफ आते हैं, मॉथ्स उन्हें कहते हैं, वो हल्के रंग के होते थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड सूट डिपोजिशन ऑन द बिल्डिंग्स एंड द ऑल द इन्वायरमेंट, सो डार्क कलर बैकग्राउंड्स होने लग गए जिनमें डार्कर वैरायटी कार्बोनेरिया वाली वैरायटी, विस्टोन कार्बोनेरिया वाली वैरायटी ज्यादा बढ़ने लग गई थी इंग्लैंड में। ये किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम इसके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, इनोकुलम एडेड टू द फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मिल्क इन टू कर्ड, द टर्म इनोकुलम क्या रिफ्रेस करता है? हम थोड़े से हल्के गुनगुने दूध में और एक चम्मच जो दही डालते हैं वो एक इसका काम करता है, ये स्टार्टर है, प्रोटीन में रिच होता है स्टार्टर, जिसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब होते हैं, और यही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमें पता है जब हम थोड़ा सा दही डालते हैं वो हमारे स्टार्टर की तरह काम करते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। अब आप कहेंगे कि सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, उसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो वो हमारे नेक्स्ट इमेज में आपको दिखेगा। वी कैन सी दैट कोकेन, क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका विच प्रोड्यूसेस कोकेन, कोकेन कौन सा प्लांट इनमें से बनाता है, यहाँ नाम दिए उन्होंने। वी शुड नो दैट इट इज द इर्थ्रोजाइलम कोका, पीछे भी इसमें कोका लग रहा है, कोकेन से रिजेंबल कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला प्लांट है। अब यहाँ पर मैच करने हैं हमें फिम्ब्रिए, पहला ए दिया हुआ है कॉलम में, हमें मैच करने हैं कि इसका काम क्या है, कैप्चर ओवा रिलीज्ड इन टू सीलोम, तो फिम्ब्रिए कैप्चर करता है ओवा को, बी फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, इट इज द फिम्ब्रिए क्लोजर टू ओवरी भी हो सकता है क्योंकि तभी अगर वो ओवरी से क्लोजर होगा तभी वो एग को कैच कर पाएगा। फेलोपियन ट्यूब क्या करेगी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इनफंडिब्यू एम्प्यूला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन रहेगी, इनफंडिब्यूलम का काम है जो कि कैप्चर करेगा और आगे ले जाने के लिए, इनफंडिब्यूलम क्योंकि फनल शेप होता है, तो सी विल पेयर विद सेकेंड, ए विल पेयर विद फोर्थ एंड डी विल पेयर विद साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन थ्री, डी थ्री एंड सो फेलोपियन ट्यूब द अदर नेम इज ओविडक्ट, बी विल पेयर विद वन। सो दिस वॉज द आंसर जिसका हमें पीछे आंसर दे रखा था, जो अब हम मैच करेंगे, हमारा ए मैच हुआ है फोर्थ से
फेलोपियन ट्यूब मैच हुई है फर्स्ट से, तो ए फोर्थ बी वन, यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए ए सेकेंड बी वन सी फोर्थ एंड डी थर्ड। सेकेंड वन ए इज सेकेंड बी इज वन सी इज फोर्थ डी इज थर्ड। सो डी हमारा थर्ड के साथ मैच होगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सी इज सेकेंड कैप्चर ऑफ ओवा इन्फर्टिबुलम। बी इज वन फेलोपियन ट्यूब इज ओविड एंड फिम्ब्रिए इज पार्ट ऑफ ओवरी क्लोजर। अब हम और क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। गिवन फिगर पिरामिड दे रखा है बायोमास का इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, आइडेंटिफाई ए बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस पिरामिड को देखकर, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड है उसको देखकर सपोर्ट में बताना है ए और बी क्या होंगे। ए इज द क्रॉप विच सपोर्ट द, बी इज द क्रॉप विच इज सपोर्टेड, ए इज द क्रॉप विच इज सपोर्टेड एंड बी इज द क्रॉप विच इज सपोर्टेड। ए इज फाइटोप्लैंक्टन, बी इज जू प्लैंक्टन, ए इज जू प्लैंक्टन, बी इज फाइटोप्लैंक्टन। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटो प्लैंक्टन होते हैं सबसे पहले, जो कि कम होते हैं बायोमास में, एंड देन जू प्लैंक्टन। तो ए आपका होगा, ए इज फाइटो प्लैंक्टन, बी इज जू प्लैंक्टन, तो थर्ड आपका करेक्ट है। थर्ड के साथ साथ और क्या करेक्ट हो सकता है? थर्ड के साथ आपका फर्स्ट करेक्ट हो सकता है, ए इज क्रॉप विच सपोर्ट्स एंड बी इज द क्रॉप विच इज सपोर्टेड। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। हमारा आंसर नेक्स्ट इमेज में है। वन एंड थर्ड, सो यू कैन सी वन एंड थर्ड इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, वी बिकॉज द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवेन, द फाइटो प्लैंक्टन आर द प्रोड्यूसर्स, सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाई ए। एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड होता है एंड फाइटो प्लैंक्टन सपोर्टेड करते हैं जू प्लैंक्टन को। ड्यूरिंग द सेकेंड 12th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंसर्शन एंड इनएक्टिवेशन, द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट गिव ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इफ द इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, द ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड बाई एंजाइम। सो अगर किसी भी इंसर्शन इनएक्टिवेशन के वक्त हम मार्कर जीन के अंदर या हम कोई भी ऐसा सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर हम अगर कोई अपना फॉरेन जीन इंसर्ट करा देते हैं तो उसका फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। अब मार्कर जीन हमारी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन भी हो सकती है, बट इंसर्शन इनएक्टिवेशन में दे आर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग फॉर वेरियस एंजाइम लाइक बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर अगर कोई और जीन डालेंगे तो उसका फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा, तो वो जो सबस्ट्रेट है उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगी, उसे ब्रेक नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो व्हाइट कॉलोनीज देगी। बट अगर उसके अंदर इंसर्ट नहीं लगा है तो वो आराम से उस सबस्ट्रेट को यूज कर पाएगी, उसे ब्रेक करेगी और कलरफुल कॉलोनीज बनाएगी। तो ब्लू कलर क्यों बना पाती है? बिकॉज ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस विल बी द आंसर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो दिस इज द आंसर, सो यू हैव सीन हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर गिवेन अ पैराग्राफ, देन यू हैव टू आंसर दैट द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, विच इज द टू काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट एट विच इज सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्टिविटी इज रेट फंक्शन एंड इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड और एनर्जी कैप्चर्ड पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट टाइम। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो एस्पेक्ट ग्रॉस और नेट में हो सकती है, द रेट ऑफ टोटल कैप्चर्ड एनर्जी और द रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बायोमास इज नोन एज ग्रॉस। हाउएवर व्हाइल द एनर्जी कैप्चर्ड प्रोसेस इज ऑपरेटिंग इन ग्रीन टिश्यूज, देयर्स एज वेल एज अदर टिश्यूज आर कंज्यूमिंग एनर्जी एंड इन रेस्पिरेशन, सो सम एनर्जी फ्रॉम द ग्रॉस विल बी यूज इन द रेस्पिरेशन ऑल्सो।
So it will be subtracted, and therefore the net productivity will be the last. It is giving the formula gross productivity में से respiratory loss को minus करते हैं तो net आ जाती है. Next question is the plant biomass which serve as the food for herbivore and decomposer is said to result from the net primary productivity. This is the assertion of 13th question. And reason is gross primary productivity is the rate of total production of organic material biomass during the photosynthesis. So both which region you will be giving, which option you will be choosing. The explanation of this question I have done in the previous. So iska answer hai both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So isme dono true to hai, B option aapne chuna hai isme. दोनों ट्रू होते हैं पर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अब. रीजन दिया हुआ है डोमिनेंस अकर इन द हेटरोजाइगस. डोमिनेंस हेटरोजाइगस में होती है. असर्शन है इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन इंडिकेट डोमिनेंट कैरेक्टर. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन है. नीचे बिल्कुल आप देख रहे हो क्वेश्चन का असर्शन दिया हुआ है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में देर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है. रीजन दिया हुआ डोमिनेंस अकर होती है सिर्फ हेटरोजाइगस स्टेट में. तो इसका आंसर क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि होमोजाइगस में भी डोमिनेंस शो होती है. कैपिटल टी होगा तब भी टॉल ही होता है पौधा, तो हेटरोजाइगस होना कंपल्सरी नहीं है. तो ए इज ट्रू. हेयर सी ऑप्शन आपने चुना, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हो रहा है और ये स्टडी करता है नेट सिंगल पेयर ऑफ एलील्स का. और इसमें F1 जनरेशन में हेटरोजाइगस इंडिविजुअल होता है और वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है. अब आपका नेक्स्ट 15th असर्शन दे रखा है, जहां पर असर्शन दिया है मेनी एंडेमिक स्पीशीज आर सीन टू फ्लरिश इन द सेक्रेट फॉरेस्ट. बहुत सारे एंडेमिक और अच्छे नेटिव ऑर्गेनिजम्स एक फ्लरिश करते हैं सेक्रेड फॉरेस्ट में. रीजन क्या है, सेक्रेड फॉरेस्ट अनडिस्टर्ब रहते फॉरेस्ट हैं जो कि ऐसे पैचेज हैं बायोडाइवर्सिटी के जो रिच एरियाज में हैं. तो बोथ ए एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो सेक्रेड ग्रूव्स या सेक्रेड फॉरेस्ट ऐसे ही फॉरेस्ट है मेघालय में नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर सब रिलीजियस इमोशंस से उनसे अटैच रहते हैं और दे प्रे इन दैट फॉरेस्ट एंड दे डू नॉट कट द ट्रीज. सो इफ द ट्रीज आर नॉट कट मैनी एंडेमिक स्पीशीज विल फ्लरिश देयर. सो नाउ सेक्शन बी की तरफ हम जा रहे हैं. वॉट कुड बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट एग्जिबिटिंग ADA डेफिशंसी. के पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी टेम्पररी क्योर है एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इज अ परमानेंट क्योर. ADA डेफिशिएंसी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की जीन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से SCID नाम की बीमारी होती है. सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड वेयर इज द स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट इन द प्लांट. में स्पोरोपोलिनिन कहाँ होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है विद रेफरेंस टू केमिकल नेचर. स्पोरोपोलिनिन एक्साइन में प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन के आउटर लेयर में. हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस है जो कोई भी एंजाइम जो एसिड और हाई टेम्परेचर उसे तोड़ते नहीं है. असर्शन एक और दिया हुआ है मैनी एंडेमिक आर सीन टू फ्लरिश इन सेक्रेट. ये तो हम कर चुके हैं और हम 16 का आंसर देख रहे थे. ये माइक्रो फॉसिल्स की तरह भी स्टोर हो सकते हैं पोलन ग्रेन्स. नाउ नेक्स्ट बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिन ओनली. The assertion is given primary productivity of different ecosystem can be easily compared. The reason is the magnitude of primary productivity depend on the photosynthetic capacity of the producer, both prevailing environment so condition. So answer is both A and R are true and R is not the correct explanation. पर R जो है वो correct explanation नहीं है. Now next refer to the given following figure 3-2, 5-5, 5-3, एक replication fork जैसा structure दिखा है. Redraw the structure, इसको redraw करके replication fork की तरह label करने इसके parts. Write the sources of energy for, इसकी energy कहाँ से आएगी replication के लिए, जो new strand बनेगा उसको energy कहाँ से मिलेगी. तो template DNA हम इसे पहले तो इसके ऊपर
किस तरह से डीएनए रेप्लिकेट होगा वो मार्क करेंगे। 5-2 3- डायरेक्शन में कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा और 3-5- डायरेक्शन में लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, ब्रेकिंग में जो बनता है। और एनर्जी का सोर्स है आपके डीजीटीपी, डीटीटीपी, डीएटीपी, ये सब एनर्जी का सोर्स है। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रेप्लिकेशन इज डीएनए इज फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। नेम द जीनस ऑफ द बैक्यूलो वायरस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पैथोजन। जस्टिफाई द गिवन 3 रीजंस टू मेक इट एन एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द जॉब। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रेसिस वायरस एक जीनस है बैक्यूलो वायरस का, जो कि एक बायोलॉजिकल एजेंट की तरह काम करता है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस से इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, एंड दे आर नैरो स्पेक्ट्रम। वो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को ही किल करते हैं, बायो पेस्टिसाइड की तरह काम आ सकते हैं। देर इज नो साइड इफेक्ट इन प्लांट्स एंड मैमल्स, फिशेज एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, एंड बेनिफिशियल फॉर द कंट्रोल। सो ये बेनिफिशियल भी हैं। एक्सेसिव एग्जीबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ स्पीशीज वेदर अ प्लांट और एनिमल रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड इट बिकम्स वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली मैनी मेरीन फिशेज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर डिक्लाइनिंग। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हम किसी ऑर्गेनिज्म का करने लगते हैं, उसे खाने के लिए, मीट के लिए यूज करने लगते हैं, तो वो खत्म हो जाती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। इसी तरह से कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो खत्म हो चुकी है, वनरेबल है या खत्म हो सकती हैं नियर फ्यूचर में, तो एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा सकती है हमको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रॉस ऑफ द हर्बीवोर्स, द जीनस ऑफ बैकिलो वायरस दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग पैथोजन। तो ये सब पॉइंट्स हैं उसके, कि क्यों वो हमारा एक हेल्प करने के लिए, बैक्यूलो वायरस पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड है। ऑल दो वो पहले प्रोकैरियोटिक सेल हैज नो डिफाइंड न्यूक्लियस, सेक्शन सी में दिया हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तब भी उसका डीएनए बिखरा बिखरा नहीं होता सेल में, एक सेंटर में होता है एक जगह पे, तो क्योंकि वो न्यूक्लियॉइड रीजन में होता है, और वो भी बेसिक प्रोटीन्स, नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ, पॉलीअमीन्स के साथ रैप्ड रहता है। डीएनए रैप नेगेटिवली, डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, एंड हेल्ड इन प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन दैट हैव अ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन उसको अपने ऊपर क्वाइल्ड रखते हैं, और इस रीजन को न्यूक्लियॉइड कहते हैं। द डीएनए इन द न्यूक्लियॉइड इज प्रेजेंट इन द ऑर्गन लूप्स बाय द प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अबव ग्राफ शो द एरिया रिलेशनशिप, राइट द क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये कर्व, क्योंकि ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है, और इसमें कर्व ए, और एक्सप्लेन करना है ए कर्व को। इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, के एस स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, एंड द सेक्शन सी इज रिटन। नाउ ऑल्दो द प्रोकैरियोटिक सेल हैज नो डिफाइंड न्यूक्लियस येट द डीएनए इज नॉट स्केटर्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अक्रॉस कम वॉज कैरिड आउट बिटवीन द टू पी प्लांट शोइंग द कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट एंड द रिजल्ट शोन बट पेरेंटल कैरेक्टर्स एंड वॉट इज द क्रॉस विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। नेम द टाइप ऑफ द क्रॉस कैरिड आउट टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ हाइट एंड द टेल एंड द ड्वार्फ। इफ द गिवन क्रॉस इज द प्रोजेनी शोज पेरेंटल कैरेक्टर्स दैट विल क्रॉस विल बी हेटरोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का क्वेश्चन का आंसर स्लोप, जेड स्लोप ऑफ लाइन है, ए एरिया है, सी वाई इंटरसेप्ट है। द ग्राफ ऑफ द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप शोज दैट विद इन
Within a region, species richness increases with the increasing explored area, but only to a certain limit. The relation between the species richness area for a wide variety of taxa turn out to be rectangular hyperbola, जैसा कि ग्राफ में आया है उसी तरह का रिलेशनशिप होता है स्पीशीज रिचनेस और एरिया में. एंड यहाँ पर आपको क्रॉस करके दिखा रहा है. दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस इन विच द ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड सेल्फ पॉलिनेटेड एंड देयर रियल आउटकम ऑफ द जीनोटाइप इज सीन. टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Prior to a sports event, blood and the urine sample is sport person are taken, and why is there is a need to collect such test? ऐसे टेस्ट करना क्यों जरूरी है? अगर हम कोई स्पोर्ट्स पर्सन के स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, ओलंपिक में उसने पार्ट लिया या किसी कॉमनवेल्थ में, हम उसके यूरिन और ब्लड सैंपल की टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि अगर उसने कोई स्पोर्ट शुरू होने से पहले कुछ अगर उसने एडिक्ट ड्रग को यूज किया, एडिक्टिव सब्सटेंस यूज किया, तो उसको रोका जा सके स्पोर्ट्स खेलने से, बिकॉज स्पोर्ट्स के अंदर केमिकल्स प्रोहिबिटेड है. सब्सटेंस तेल लेके ना कोई प्रोहिबिटेड है. नेसेसरी टू स्पोर्ट्स पर्सन को चेक करना जरूरी है. इसीलिए स्टडी ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है वुमन ओवरी का. It is necessary to conduct such test sports person because they have various necessary ताकि हम मसल स्टोन परफॉर्मेंस बिल्कुल फेयर परफॉर्मेंस देख सके. कोकेन, कोका, अल्कलॉइड, कैनाबिनॉइड्स ये ड्रग हैं जो कि यूजुअली इंजिन के लिए टेस्ट करा जाता है. एंड सी इज द जेनरिक नेम ऑफ टू प्लांट जो हमें जीनस और स्पीशीज का नेम बताना है जिन प्लांट से लिया जाता है. कोकेन लिया जाता है अर्थोक्साइलम कोका से. एंड आगे हमारा क्वेश्चन था कि ओवरी के ये ए बी सी डी इनके लेबल्स बताएं. तो हम देख रहे हैं कि ए जो लेबल है वो प्राइमरी फॉलिकल को शो कर रहा है जो साइज में बहुत छोटे हैं. बी लेबल ओवरी में आपको शो करता है कि द ए इज प्राइमरी फॉलिकल, बी स्टर्चरी फॉलिकल एंड द सी इज मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल. तो ए बी सी फर्दर साइज में बड़े होते रहते हैं. ए प्राइमरी फॉलिकल है, बी सेकेंडरी फॉलिकल एंड सी इज टर्शरी फॉलिकल. हार्मोन सिक्रेटेड बाय ए एंड बी इज एस्ट्रोजन. ए और बी एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होते हैं, सिक्रीट करता है इन ग्लैंड्स को एंटीरियर पिट्यूटरी. ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेशन के वक्त लास्ट स्टेज जो बनती है ग्राफिन फॉलिकल, वो फिर ओव्यूलेशन हो जाता है. हार्मोन ए और बी एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं. और ए और बी जो सिक्रीटेड बाय ए एंड बी इज एस्ट्रोजन. एंड डी इन द गिवन गिवन फिगर कॉर्पस ल्यूटियम इट सर्व एज द प्रोजेस्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. तो डी बाद में जो मरता हुआ फॉलिकल है उसे डी को कॉर्पस ल्यूटियम बोला गया है जो प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करवाता है. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है बर्थ रेट किसी पॉपुलेशन में प्रिडेशन क्यों जरूरी है ये पूछना है. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई इज प्रिडेशन रिक्वायर्ड इन अ कम्युनिटी. एक्सप्लेन द बर्थ रेट इन द पॉपुलेशन टेकिंग द सुटेबल एग्जाम्पल. राइट आर द टू कैरेक्टर विच ओनली अ पॉपुलेशन शो बट नॉट एन इंडिविजुअल शो. प्रिडेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी कम्युनिटी में ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि वो एनर्जी के सोर्सेज है, एनर्जी को ट्रांसफर कराने के सोर्सेज है. प्रिडेटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, वो अपने जिनको खाते हैं प्रिडेटर्स उनकी पॉपुलेशन को कम रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं. प्रिडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रिडेटर हेल्प करते हैं मेंटेनिंग करने में डाइवर्सिटी को. दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन बाय बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ द हर्बीवोर्स. वो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन को भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि हर्बीवोर की पॉपुलेशन को वो कंट्रोल करते हैं. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बर्थ रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ दैट इज एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल इफ एन पॉन्ड देयर इज 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड देन टेकिंग द करंट पॉपुलेशन 28 वी कैलकुलेट द बर्थ रेट 8 बाय 20 0.4 ऑफस्प्रिंग्स लोटस पर ईयर। अदर एट्रीब्यूट जो किसी पॉपुलेशन में ही प्रॉपर्टीज शो होती हैं किसी इंडिविजुअल में नहीं उन्हें डेथ रेट कहते हैं। इंडिविजुअल तो मरता है बट पॉपुलेशन की डेथ रेट होती है। रेफर टू द पर कैपिटा डेथ दैट इज एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट डाई पर यूनिट टाइम। सेक्स रेशियो एन इंडिविजुअल हैज अ सेक्स बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड एक बून है बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा है। प्लाज्मिड सा क्यों कहा जाता है बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन में भी हमें प्लाज्मिड काम आता है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए का मॉलिक्यूल है जो सर्कुलर होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है और नेचुरली किस बहुत बैक्टीरियाज में मिलता है। प्लाज्मिड बहुत उसके पास अच्छा है क्योंकि उसके पास एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है जिनमें हम कट करके उसमें जिगजैग एंड प्रोड्यूस करके हम वेक्टर की तरह उसे काम में ले सकते हैं। ह्यूमन इंसुलिन के लिए भी हमने उसका यूज किया। इट हैज स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स जहां पर एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस कट कर सकती हैं। डीएनए कोडिंग फॉर ह्यूमन इंसुलिन इंसर्टेड जहां हम ह्यूमन की डीएनए इंसुलिन कोड करने वाली जीन डाल सकते हैं। उनका नंबर ओरिजन वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट उसके पास ओरिजिन नंबर कॉपी नंबर की भी कंट्रोल करने की भी क्वालिटी होती है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वो इकोलाई में डाल दिया जाता है जहां पर रेप्लिकेट करती है अपने जैसे और इंसुलिन भी बना सकती है और प्लाज्मिड को डबल करके। व्हेन डज दिस जेनेटिक्स नीड टू कैरी अ टेस्ट क्रॉस कब करना पड़ता है किसी भी जेनेटिस्ट को टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट वेदर वो इंडिविजुअल डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है हेटरोजाइगस कंडीशन में उसकी जीनोटाइप या होमोजाइगस ये पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। इंडिविजुअल हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप क्रॉस किया अगर उसने होमोजाइगस रिसेसिव से तो ऑफस्प्रिंग एनालाइज हुआ। फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट में भी हेटरोजाइगस होमोजाइगस टॉल प्लांट हेटरोजाइगस होगा तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे जबकि होमोजाइगस टॉल हो गया तो फिर जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सारे टॉल बनेंगे। तो ये यहाँ से हम पता कर सकते हैं जो कि डोमिनेंट इंडिविजुअल है वो किस वजह से डोमिनेंट उसका जीनोटाइप क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब आइडेंटिफाई द ए बी सी डी फ्रॉम द गिवन फिगर व्हाट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज शोन इन द फिगर से स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनहेरिटेंस एंड द अबव मेंशन। व्हाट वुड हैपन इफ द क्रॉस गिवन क्रॉस इफ द पेरेंट फिनोटाइप इज रिवर्स्ड दैट इज वाई व्हाइट आईड फीमेल एंड द रेड आईड मेल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे यानी कि मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। द गिवन क्रॉस वॉज शोन बाय मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन द ड्रोसोफिला एंड ड्रोसोफिला के अंदर रेड आई कैरियर फीमेल बी रेड आईड सी वाई क्रोमोजोम एंड डी क्रोमोजोम एक्स कैरिंग जीन हेयर द आई कलर जीन इज लिंक टू द सेक्स क्रोमोजोम एंड इज प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोजोम एंड इन द गिवन क्रॉस इफ अवर क्रिस क्रॉस पैटर्न में ट्रेड ट्रांसफर होता है एंड पेरेंट ऑफ स्प्रिंग्स ग्रेट जो द ट्रेड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ग्रैंड चाइल्ड ऑफ द सेम सेक्स थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑन द अपोजिट सेक्स। अ फादर ट्रांसमिट इट्स जीन्स टू इट्स ग्रैंड सन थ्रू अ डॉटर वाइल अ मदर ट्रांसमिट द ट्रेट्स ऑफ अर ग्रैंड डॉटर टू अर सन इन द गिवन क्रॉस इफ अ पेरेंट फिनोटाइप विल बी रिवर्स्ड द क्रॉस बिटवीन द व्हाइट आइड फीमेल एंड द रेड आइड मेल देन इट रिजल्ट इन द रेड आइड फीमेल दैट आर कैरियर नॉर्मल व्हाइट आइड मेल। सो ये आपको पता चल गया मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट। सेक्शन डी का क्वेश्चन है स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। पेरेंट्स में रेड आइड का कैरेक्टर व्हाइट आइड का कैरेक्टर दे रखा है F1 जनरेशन में भी
आप देख रहे हो, एक क्रोमोसोम मेल से आया है, एक फीमेल से आया है, एंड उनको फिर क्रॉस करवाया गया वाइट आइड मेल से ही, तो एवन जनरेशन में किस तरह से ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, यू आर एबल टू सी इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट को रेफर करना है आपको. प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी स्लज, प्राइमरी एफ्लुएंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीजें बन रही हैं, प्राइमरी स्लज और प्राइमरी एफ्लुएंट बन रहा है लार्जर एरेशन टैंक में, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है. ए लिखा हुआ है, फिर फ्लॉक्स लिखे हुए हैं, फिर बी लिखा हुआ है आगे एरो डाल के. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का आपको लेबल्स बताने हैं, ए बी सी डी. तो यू हैव टू टेल द व्हाट विल कम हियर इन ऑन द लेबल्स. मैकेनिकल एजिटेशन, स्टेप ए मैकेनिकल एजिटेशन, स्टेप बी रिड्यूस्ड बीओडी इट्स गिवन, सी इज एक्टिवेटेड स्लज. तो यहाँ पर ए जो है मैकेनिकल एजिटेशन दिखा रखा है, एंड स्टेप बी जो दिखा रखा है अलाउज, जो स्टेप ए है जहाँ मैकेनिकल एजिटेशन हो रहा है वहाँ विग्रस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स हो रहे हैं फ्लॉक्स के अंदर. देन बी जो आपका आंसर है एबीसीडी की लेबल्स करो, तो ए इज मैकेनिकल एजिटेशन, बी इज रिड्यूस्ड बीओडी, सी इज एक्टिवेटेड स्लज, एंड डी इज एनारोबिक स्लज डाइजेशन. तो डी जगह पर एनारोबिक स्लज डाइजेशन होता है, सी जगह पर एक्टिवेटेड स्लज बनता है, बी इज बी रिड्यूस्ड बीओडी हो जाती है बी पर, और ए पर मैकेनिकली बार बार पानी को एजिटेट किया जाता है. एट द स्टेप डी अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रोज एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगी इन द स्लज. डी स्टेप पे और दूसरी तरह के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एनरोबिकली, वो भी बैक्टीरिया और फंगी मिलकर स्लज को डाइजेस्ट करते हैं. ड्यूरिंग दिस बैक्टीरिया इन द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जस मीथेन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड द गैसेस फॉर्म बायोगैस एंड द कैन बी यूज्ड. सच गैसेस फ्रॉम द बायोगैस कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी. लो बीओडी लेवल इंडिकेट द वाटर इज लेस पोल्यूटेड. वंस द बीओडी ऑफ द सीवेज वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, इफ्लुएंट को अब हम पास कर सकते हैं टैंक में रखने के लिए, या फिर उसको सेडिमेंट कर सकते हैं बैक्टीरियल फ्लॉक को, एंड द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज. और इसमें तो एक्टिवेटेड स्लज भी बन जाए. और ए बी सी डी वुड बी मीथेन. ये जो गैसेज हैं ए बी सी डी स्पार्क चैम्बर में, ये क्या क्या होती हैं यहाँ पर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में. अमोनिया होती है, हाइड्रोजन होती है, वाटर वेपर होते हैं, और मिथेन होती है. तो यहाँ पर ऊपर के ग्लास चैम्बर में जो स्पार्क प्लग के पास है, स्पार्क चैम्बर, उसमें ये वाली गैसेस रखते हैं, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसको बहुत उसमें वाटर वेपर्स भी भेजे जाते हैं हीटेड वाटर ब्रॉथ वाले कंटेनर से, कनेक्टेड ट्यूब से. और लाइफ ओरिजिनेट होती है, ये एक्सपेरिमेंट मिलर्स का ये बताता है, सपोर्ट करता है ओपरेन हेल्दी हाइपोथेसिस को, जो कि बताते हैं कि लाइफ अर्ली अर्थ पे फिजिको केमिकल प्रोसेस से हुई थी, एटम कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल रिटर्निंग टू प्रोड्यूस, रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरैक्टिंग प्रोड्यूस ऑल द टाइप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल विच ऑर्गेनाइज टू फॉर्म फर्स्ट लिविंग सिस्टम्स. तो ये सारे हायरार्की ऑफ द लाइफ बना देते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट में, ये बताया है. सेक्शन ई का क्वेश्चन दिया है, एक्सपेरिमेंट में एक्स एविडेंस है कि एक्सपेरिमेंट में
Here the answer is given. You can see Miller's experiment who support the operand and halogen hypothesis. ABCD जो gases हैं वो भी बता रखी हैं. They are ammonia, hydrogen, methane and water vapor. And these are the four things. And these atoms will become molecule. Molecules will become react to form inorganic and organic compounds. Organic compounds produce all kind of macromolecules, biological biomolecules, and then the cell was made. Now, next question is 32 question. The natural selection can produce three different types of result, dividing the following three types. Stabilizing this type of selection favors the average size individual while eliminates the full small size individual. It reduces the variation and heroing, and hence the does not promote evolutionary change. Generation to generation. If we draw a graphical curve of population, it is a bell shape. For example, there is an optimum wing length for a hawk and particular size with a certain mode of life in the given environment. Stabilizing operate karega, and through the differences in the breeding potential will eliminate those hawks with wing spans larger than the eliminate smaller than the optimum length. Directional selection kya hoga? In this selection, the population changes toward one particular. एक तरफ ज्यादा सिलेक्ट होते हैं एक तरफ के इंडिविजुअल्स. इन द प्रोग्रेसिव सिलेक्शन इट फेवर्स स्मॉल साइज और लार्ज साइज इंडिविजुअल एंड मोर इंडिविजुअल देन दैट आर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन. द मीन साइज ऑफ द पॉपुलेशन चेंजेस फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज इंक्लूडिंग मेलनिज्म इंडस्ट्रियल मेलनिज्म. ये सब डायरेक्शनल के एग्जाम्पल है. डिसरप्टिव सिलेक्शन वहीं पर इस सिलेक्शन में साइमल्टेनियसली फेवर होता है इंडिविजुअल एट बोथ द एक्सट्रीम. दोनों एक्सट्रीम के इंडिविजुअल फेवर होते हैं और कर्व इस तरह से दो पीक्स में डिवाइड हो जाता है. एज अ रिजल्ट टू पीक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट इज सीन. इट इज अकर बट इम्पॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशनरी चेंज. बहुत ही रेयर चांसेस का होने का पर यह भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगी एवोल्यूशनरी चेंजेस में. Give the reason DNA called can be passed into a host cell through the cell membrane. क्यों ऐसा हो सकता है कि DNA pass नहीं कर सकता किसी भी cell membrane के. Proteases are added to during the isolation of DNA के वक्त proteases क्यों डाली जाती हैं. Single recognition site अगर present है vector पे तो क्या होगा. Maintenance of the sterile बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस क्यों जरूरी है. इनका रीजन हमें देना है. यहाँ पे साइड में इसके रीजंस दिए हुए हैं. स्टेराइल कंडीशन के इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल्स माइक्रोब्स इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक एंजाइम्स बनाने के लिए. एक ही ऑर्गेनिज्म प्योर ऑर्गेनिज्म हम ग्रो करा सकते हैं. ये आपका स्टेराइल कंडीशन का बेनिफिट है. जीन्स इंकोडिंग द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक आर कंसिडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई क्लीनिंग क्लोनिंग वेक्टर बिकॉज दे हेल्प इन द सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वंस. RT-PCR स्टैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. PCR पॉलीमरेज चैन रिएक्शन. द वेरियस स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन. आर डीनेचुरेशन करना पड़ेगा. DAE से मैं याद करती हूँ. डीनेचुरेशन होता है फिर एनिलिंग ऑफ प्राइमर होता है फिर एक्सटेंशन होता है. डीनेचुरेशन 92 to 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है जहां पर दो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और हर स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में एक प्रोब आके लग जाता है. प्राइमर एनिलिंग हो जाता है सेकेंड में. टू ओलिगोनोक्लाइड प्राइमर दो 10 से 15 छोटे छोटे से प्राइमर आकर 5' एंड की तरफ लग जाते हैं. 3' से 3' डायरेक्शन 3' एंड पे आकर लग जाते हैं. प्राइमर नील होते ही द टू एक्ट एज अ टेम्पले दे कैन बी एक्सटेंडेड बाय द टैक पॉलीमरेज एंजाइम. एक्सटेंशन होता है बाय द टैक पॉलीमरेज. थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उससे निकाली एक एंजाइम है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी डीएनए को पॉलीमराइज कर देती है. तो वही इसको पॉलीमराइज करती है टैक डीएनए पॉलीमराइज ड्यूरिंग द एक्सटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें. डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है इस वजह से वो पास नहीं कर सकता. इट इज अ हाइड्रोफिलिक इट इज वाटर डिसॉल्विंग सो इट कैनॉट पास थ्रू द होस्ट सेल क्योंकि मेम्ब्रेन्स तो हाइड्रोफोबिक होती हैं.
या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं आने दे, डीएनए इंटरवाइंड होगा प्रोटीन से, हिस्टोन से, और आरएनए से टू बी ऑब्टेन प्योरिफाइड डीएनए को प्रोटीएज से ट्रीट करना पड़ेगा ताकि हिस्टोन प्रोटीन उसमें से निकल जाए, अमीनो एसिड उसमें से निकल जाए, हमें प्योरिफाइड डीएनए मिल जाए। और अब हमारा ये डायग्राम है डीनेचुरेशन का, प्राइमर एलिनिंग का और एक्सटेंशन का, विच इज शोन हेयर ऑफ द पीसीआर, पीसीआर के लिए डायग्राम बना के दिखा रखा है यहाँ पर। एंड 33 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। स्टडी द ग्राफ हार्मोन एक्स एंड वाई, मेंशन द ग्राफ एंड स्पेसिफाई, कोरिलेट द, डिस्क्राइब द यूट्रीन इवेंट दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द ओवेरियन हार्मोन लेवल्स एक्स एंड वाई मेंशन इन द ग्राफ। एंड 6 to 15 days, 16 to 25 days, 26 to 28 days व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, सबके वक्त हमें इसका लेवल बताना है हार्मोन्स का। आंसर है 16 to 25 days अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज मेंटेन फॉर द इम्प्लांटेशन। 6 to 25 days में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन होने के लिए थिक लाइनिंग होती है यूट्रस की। 26 to 28 days में ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने के स्कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट एलएस ऑफ अ पिस्टल शोइंग द पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ, द पाथ ऑफ द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इज पोलन डिपॉजिट होगा स्टिंग पे, पोलन ट्यूब ग्रो होगी स्टाइल की तरफ, एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर थ्रू माइक्रोपाइल, एंटर करते ही और सिनर्जिड्स के थ्रू फिलिपियम एपरेटस के थ्रू अंदर आ जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स यहाँ पर फ्लो चार्ट की तरह आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। नाउ आफ्टर एंटरिंग द पॉलन ट्यूब इनटू वन सिनर्जिड द पॉलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट, द साइटोप्लाज्म द सिनर्जिड में दो मेल गैमेट रिलीज करती है, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टूवर्ड द एग सेल, एक में उनमें से एग सेल की तरफ चला जाता है। द एग्स इज द एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, द वाई इज द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, द यूट्रीन इवेंट्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द ओवेरियन हार्मोन लेवल एक्स बाय एज शोन इन द फिगर। 6 to 15 days में एंड्रोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट बाय प्रोलिफरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन से, पहले प्रोलिफरेटिव फेज भी आता है और वो रीजनरेट हो रही होती है। और यहाँ पर पॉलन ट्यूब के बारे में बता रखा है कि आफ्टर एंटरिंग द पॉलन ट्यूब क्या क्या करेगा, ए बी सी डी ई इवेंट्स बता रखे हैं। ए पॉलन ट्यूब है, उनका लेबल भी दिया हुआ है आपको सामने, ए इज द पॉलन ट्यूब, बी इज द एंटीपोडल सेल्स, ए इज द पॉलन ट्यूब यहाँ से आ भी रही है और बी इज द एंटीपोडल सेल्स, देन सी इज द पोलर न्यूक्लियाई, इट इज इन द सेंटर सो इट इज द पोलर न्यूक्लियाई, एंड डी इज द एग सेल, डी इज द एग सेल एंड द रिमेनिंग इज द एग एपरेटस। सो दिस इज द डायग्राम गिवन। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट्स होंगे वो दे रखे हैं आपको, के आफ्टर एंटरिंग द पोलन ट्यूब वन ऑफ द सिनर्जिड एक एक मेल गैमेट रिलीज करेगा जो एक पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा जिससे ट्रिपल फ्यूजन होगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा और दूसरा मेल गैमेट एग से फ्यूज होगा तो वहां पर जायगोट बनेगा। सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर, वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द सैम्पल पेपर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो वी हैव डन डूइंग द सेकेंड सैम्पल पेपर सक्सेसफुली, so appreciation that you all have done the sample paper along with me, now आपकी studies इसी तरह से रहे और आप अच्छे से sample papers के साथ साथ अपना learn भी करते रहे, समझते भी रहे concepts को, यही मैं आपको wish करती हूँ। and with this I would like to end the session, and अगर आपको ये session अच्छा लगा हो और आप सोच रहे हो कि और भी बच्चे हैं जो online sample paper की practice कर सकते हैं तो आप उनको ये साइंस लाइफ मेरा चैनल है इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, एंड आप इसको लाइक बटन दबाकर आप इस मेरे को भी इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोस बनाती हूँ आपसे जुड़ी रहती हूँ। सो विद दिस पॉजिटिव नोट दैट हिट द लाइक एंड से शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू एवरी वन एंड हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।